पिछले एक महीने से देश में डीजल और पेट्रोल के दामों पर खूब बवाल मचा है, अब आखिरकार कम हुए हैं दाम। केंद्र सरकार की तरफ से हम लोग 2.5 रुपए तुरंत कंज्यूमर्स को इसका रिलीफ देंगे, तो इक्विवेलेंट अमाउंट स्टेट गवर्नमेंट्स भी अब्सॉर्ब करें। वित्त मंत्री अरुण जेटली के इस बयान के बाद जनता को पेट्रोल डीजल से थोड़ी राहत मिली है। केंद्र सरकार ने 1.5 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम की और तेल कंपनियों को भी 1 रुपए कम करने के लिए कहा। इस तरह केंद्र की तरफ से पेट्रोल डीजल की कीमतों में 2.5 रुपए की राहत दी गई और वित्त मंत्री ने राज्य सरकारों से भी वैट कम करने की गुजारिश की। बात भी करेंगे मुख्यमंत्रियों से कि तुरंत वो भी अपने निर्णय अनाउंस करें इस 2.5 रुपए को कम करने का अपने वैट में। वित्त मंत्री के बयान के बाद बीजेपी शासन वाले कई राज्यों ने 2.5 रुपए की कटौती कर दी, यानी अब इन राज्यों में पेट्रोल डीजल 5 रुपए सस्ता हो गया है। चलिए अब उन राज्यों के बारे में आपको बता देते हैं जहां पर तेल के दाम कम हुए हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर 2.5 रुपए सस्ते हुए हैं तेल के दाम। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, असम, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा, ये वो राज्य हैं जहां पर तेल के दाम कम हुए हैं। इसके अलावा दिल्ली और मुंबई में पेट्रोल और डीजल के दाम के बारे में भी आपको बता देते हैं। आज पेट्रोल दिल्ली में 81.50 रुपए है, डीजल 72.95 रुपए है। वहीं कल ये दाम थे 84 रुपए पेट्रोल के, 75.45 रुपए डीजल के। मुंबई में आज पेट्रोल का दाम है 86.97 रुपए और कल था ये 91.34 रुपए। डीजल के दाम मुंबई में आज है 77.45 रुपए, कल ये दाम थे 80.10 रुपए। ये है ABP News, आपको रखे आगे।